सो हाय गाइस, हम लोग आए कवर करते हैं। तो हम लोग आए हुए हैं सूरज कुंड मेले में फरीदाबाद। तो चलिए हम आपको यहाँ अपने साथ साथ एक्सप्लोर करवाते हैं। फर्स्ट टाइम फॉर अस, और हम अपने साथ साथ आप लोगों को भी एक्सप्लोर करवाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मॉडर्न आर्किटेक्चर है यहाँ पे, और अमेजिंग, मतलब अमेज। फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस इन लाइफ। लेट्स सी, ये देखो, देख लो इतनी एकदम प्योर डिटेलिंग है इसमें। यहाँ की जो एंट्री टिकट्स हैं वो वीकडेज पे है 120 रुपीस, और वीकेंड्स पे है 180 रुपीस पर पर्सन। पार्किंग के यहाँ 200 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, ये है 37th इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सूरजकुंड। सूरजकुंड एक जगह का नाम है हरियाणा में, और ये आता है हरियाणा टूरिज्म के अंदर। यस, इसमें 20 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आप आगे देखो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इसमें। सो जहां से हमारी एंट्री शुरू होती है, यह है गेट नंबर 3, तो सबसे पहले जो वीडियो जहां से स्टार्ट हुई थी वो क्राफ्ट, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग इट। और ये बेसिकली क्राफ्ट मेला है। तो अगर आपके घर को रेनोवेशन की जरूरत है, आप कुछ उसमें नया ट्राई करना चाहते हो, तो एक से एक चीज मिलेगी यहां पे। सबसे पहले हम ये कार्पेट्स देख लेते हैं, बेसिकली सर्दियों में, और वैसे भी बिछे होते हैं बेड के आगे। हमारे काफी सारे रग्स थे और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस, आपको इसके प्राइसेस थोड़े से हाई मिलेंगे। थोड़ा हम, मैं ये नहीं बोलूँगी डबल द रेट, बट यस, थोड़ा आप एक्सपेक्ट करो कि मेले में आपको थोड़े से हाई प्राइसेस मिलेंगे। सो ये था हैदराबादी ज्वेलरी, मतलब पर्ल ज्वेलरी बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ जो सेट्स थे जो मैंने फर्स्ट में दिखाए थे, वो थे कुछ अराउंड 2000, ऐसा कुछ था, 1000 के भी थे, 1500 के भी थे। उसके बाद मुझे जस्ट पर्ल वाली साइड शॉप पे दिखे ये इतने प्यारे प्यारे से कुशंस, 250 रुपये का एक कवर दे रहे थे ये, बाकी बहुत अच्छा कलेक्शन था। फिर ये मिले कोल्हापुरी चप्पल, हर चीज़ मिलेगी आपको वहाँ पे, हर चीज़। तो सब शॉप्स के आगे ऐसे नंबर लिखा हुआ है, उसकी डिटेल्स लिखी हुई है कि वो कौन सी कंट्री का है, वो कौन सी स्टेट का है, क्या फेमस है वहाँ पे। सो ये कोल्हापुरी चप्पल वॉज अराउंड 500-600, कुछ 700-800-900, मतलब 500 से ऊपर ही थी। उसके बाद हमें जस्ट ये कोल्हापुरी के साइड वाली शॉप दिखी, जहाँ पे ब्रास की ये बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। हमें यहाँ पे राम दरबार पसंद आया था, बट इशू वॉज लाइक कि अभी नहीं लेना है क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है, तो उसमें नहीं रखा जाएगा, तो जब अपना घर लेंगे तो तब लेंगे। बहुत अच्छी थी, उसकी प्राइस उसने 7000 बताई थी, और कि ये ब्रास मटेरियल है, ये काला भी नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से यहाँ पे ये बैग्स हैं जो दिल्ली जनपथ में मिलते हैं, बट इनकी रेंज थोड़ी सी मुझे हाई लगी, मतलब अगर मुझे लेना हो तो मैं नहीं लेती, मुझे काफ़ी कॉस्टली लग रहे थे। मतलब 1500-2000 के बैग्स थे जस्ट फॉर लुकिंग दिस, मतलब लुकिंग के लिए मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती। देखने में अच्छे लग रहे थे, बट बस यही था, सिर्फ देखने में अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे आपको अच्छी खासी बार्गेनिंग करानी पड़ेगी बेसिकली, अगर आप बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, मतलब अच्छे पैसों में मिल जाएगी। और ये जो कल्चर है, ये हर जगह अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ राजस्थानी लोग थे, कुछ यूपी वाले लोग थे, कुछ दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ ना, ये था कि वो कोई वेस्ट बंगाल, कोई यूपी ईस्ट, कोई कहाँ का, ये जैसे झारखंड की स्पेशलिटी है फैब्रिक में। सो ये हर तरीके का फैब्रिक था। सो क्राफ्ट मेले का यही है कि इंडिया की वर्सेटिलिटी, मतलब इंडिया की जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो सब। क्या प्राइस है इनका? 6000 रुपये। और जहाँ झुमके कान के दिखते हैं वहाँ तो लड़कियों की भीड़ लगी होती है। तो भाई यहाँ पे ये अफगानी ज्वेलरी काइंड ऑफ थी। उसके बाद ये अमेजिंग सी शॉप, इस पे अंकल आपको अभी आगे थोड़ा डिटेल बताएंगे कि क्या है ये और कैसे है। ये जो सामने फ्रेम रखा है ये बड़ा वाला, इसकी प्राइस थी 1,00,000 रुपये। ये शॉप नंबर भी मैंने नोट डाउन किया है, 1237। लेकिन इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्यों महंगा है ये, अभी आपको अंकल बताएंगे यार। पर पीसेस देखने में अमेजिंग। मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, ये येलो कलर का क्या है इसमें? 22 कैरेट गोल्ड फॉइल। अच्छा, गोल्ड फॉइल है, ओके। तभी थोड़ा मतलब शाइनीनेस बहुत बहुत दिख रही है ना।
पे ये जो रग्स मिल रहे थे ना, ये देखो पैरों की शेप के, कोई डोरेमोन, कोई टाइगर, कोई कैसा, बहुत यूनिक था मतलब कलेक्शन ना। सो ये मुझे नॉर्मल शॉप्स पे तो देखने को नहीं मिलते हैं, नॉर्मल मार्केट में, किसी बहुत डिज़ाइनर शॉप में, इंटीरियर की शॉप में जाओगे तो वहाँ ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ये कश्मीर की स्पेशलिटी थी, यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब ये ऐसे जैकेट्स थे जो कश्मीरी सूट्स थे वो थे, बाकी दूसरी साइड सामने की साइड में नॉर्मल सूट्स भी थे, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सा कलेक्शन था। फिर उसके बाद में यहाँ पे सारे होम जो भी आपके डेकोर के आइटम है वो सब थे, कंफर्टर, बेड शीट्स, कुशंस, कुशन कवर, सब कुछ थे, टेबल्स थे, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी जो स्टूल्स होती है, और मेन थिंग ये देखो सामने कितनी प्यारी हैंड पेंटिंग रखी है ना। तो इसकी प्राइस मैं बता देती हूँ, याद है मुझे 1000 रुपीज़ वो मांग रहे थे, बट वही होता है ना कि 1000 रुपीज़ देने वाला दे भी दे, बट मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था, आई डोंट नो, मतलब होता है ना हम एक नॉर्मल आदमी की तरह सोचते हैं कि हम इतना मतलब मुश्किल से कमाते हैं तो मैं फालतू तो पैसा नहीं उठाऊंगी, ठीक है स्पेशलिटी है इट्स ओके, बट वो चीज़ मुझे वर्थ लगनी चाहिए उतनी प्राइस की। फिर हमने यहाँ मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी वॉचेस थी और काफी अच्छी चीज थी। अभी अगरबत्ती की स्पेशलिटी बताती हूँ, ये जो है जो प्रिजन अंबाला जेल में जो प्रिजनर है जो जेल में बंद है उन्होंने ये सारी चीजें बनाई, जो सामने पेंटिंग दिख रही है, घड़ी दिख रही है, कान्हा जी का बेड है वहां आगे, बहुत ये जितनी भी चीजें दिख रही है ना, अगरबत्तियां भी, इवन मैंने मेरे हाथ में एक पैकेट है वो वही उन्होंने ही बनाया है। ये देखो सीरिया की ये लाइट्स हैं, लाइट्स बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 1500-1600। यस, देखने में यूनिक लगेगी तो ऑफकोर्स आप ले सकते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1000 स्पेंड कर रहे हो, 1500 स्पेंड कर रहे हो, तो ये मैं यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स दिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान, कैप वर्डे, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ जाके पता चला मेरी ज्योग्राफी कितनी कमज़ोर है भैया, कुछ कुछ कंट्रीज़ थी उनका नाम भी मुझे नहीं पता था, और ये पता नहीं कौन सी कंट्रीज़ का स्टोर था। मुझे यहाँ पे लकड़ी के ऐसे फट्टे, मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ कारपेंटर यूं ही फेंक देता है यार, मतलब बस उसकी फिनिशिंग करके रख रखा था, मुझे समझ भी नहीं आया कि ये यूज़ किस लिए होगा। फिर ये हमारी लिस्ट है जो भी 2nd फेब से लेके 20th फेब तक जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी लिस्ट थी ये सारी। अगर यहाँ आप पूरा आते हो ना तो मुझे लग रहा है सुबह से शाम आप घूमते ही रहो, इतना बड़ा मेला है, लेकिन आपको चीजें जो है होता है ना कि रिपीटेड ही, क्योंकि क्राफ्ट का है तो आपको ऑफकोर्स वही वही चीजें दिखेंगी, बट हाँ कुछ यूनिक चीजें काफी है। सो अब आइए, मतलब है कि पूरा दिन आपको लग जाएगा, ये है। सो हम लोग तो थोड़ी देर में ही वैसे हो गए, और हर जगह मैंने दिखाया कि डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी अलग कंट्री का हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। सो यहाँ पे बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, सो यू ऑल कैन कम एंड एंजॉय। बाकी मैं शूट करके आपको दिखा रही हूँ सब कुछ कि कहाँ पे क्या क्या है। चलिए हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लोर। ओहो रावण, राम वो श्रीलंका क्राफ्ट वाले उसमें बैठ के आ गया रावण। यमराज खड़े कैश लेके, वो भी बहुत बुरा टाइम आ गया, यमराज का भी बुरा टाइम आ गया भैया, पैसे पैसे के हिसाब से चलना पड़ रहा है। और ये दिन आ गए कि यमराज के साथ फोटो खिंचा रहे लोग, वो भी पैसे देंगे। सूट्स भी काफी सारे थे ये देखो, लेकिन कुछ अलग सी बात नहीं लगी मुझे कहीं पे कि मैं ले लूं। उसके बाद में लास्ट में जब हम गेट से एग्जिट कर रहे थे तो हम पहुंच गए फूड कोर्ट। ये देखो बहुत बड़ा है, काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे भी हमने देखा कि डोमिनोज की एक स्टोर है और लोग उस पर टूट के पड़े हुए हैं। अरे हमें लगा कि यार यहाँ भी आके तुम डोमिनोज खा रहे हो, मतलब कुछ और ट्राई कर लो। काफी सारी चीजें थी, राजस्थानी दाल बाटी और चूरमा था, ऊपर से यहाँ पे सरसों का साग, मक्के की रोटी, हर कुछ ऑप्शन था। यहाँ पे जयपुर की मावा कचोरी तक थी, मैं वो देख के बहुत खुश हो गई। और ये आइसक्रीम याद है, फ्रूट आइसक्रीम कितनी टेस्टी होती है ना, बट हमने नहीं खाई सर्दी की वजह से। तो हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और
बहुत कुछ हमने नहीं लिया है, हमने बहुत मिनिमल चीज़ें, बिकॉज कॉस्ट जो है हर चीज़ की, हर आइटम की आपको डबल ट्रिपल मिलेगी। यूनिक आइटम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर को ज़रूरत है और आपको चाहिए, ले लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू शुड, बिकॉज यूनिक आइटम है, किसी अलग कंट्री के हैं, कुछ किसी अलग स्टेट्स के हैं, तो अगर आपको वो स्टेट स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक कुछ चाहिए, अदरवाइज तो चीज़ें रिपीट हो रही थी बार बार, बट ऑफ़ कोर्स यू कैन गो एंड ट्राई आउट, बिकॉज कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलेक्शन है और यूनिक आइटम्स हैं, सो ऑफ कोर्स यू शुड गो एंड विजिट। अगर आप आसपास ही रहते हो, कहीं गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली में भी रहते हो, तो बिकॉज इट इज इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, सो यस यू कैन गो। और हम लोग ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन ऐसे ही आते रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे शॉर्ट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी पर्सनल लाइफ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या ट्रैवल हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ में, वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।